हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी में। देखिए, जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं जो 12th 10th में है और जो ग्रेजुएशन में है, कि हमारे एग्जाम्स इस तरह से अलग अलग तरह से क्यों शेड्यूल हो गए। जैसे कि पहले, अभी अगर आप बात करोगे तो बोर्ड के एग्जाम्स को यूपी गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 24 अप्रैल से होने वाले हैं, बट अभी बोर्ड के एग्जाम्स को टाला जा रहा है मई के लिए। और जो एग्जाम्स आपके जुलाई में होने वाले थे, जून में होने वाले थे, आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स, उसको लाया जा रहा है, आपको 10th अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए साफ साफ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हमारे जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उन इलेक्शंस की वजह से इलेक्शंस को पहले कराया जाएगा और इसी वजह से बोर्ड की परीक्षाएं टाली जा रही हैं। इसमें उन्होंने कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं किया कि कोरोना की वजह से ये सब हो रहा है, ये एग्जाम्स टाले जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं है कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स होंगे, सभी को एग्जाम्स देने होंगे, बट इसको टाला जा रहा है किस वजह से, इलेक्शंस की वजह से। जो पंचायत इलेक्शंस होने वाले थे उसी की वजह से 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसको टाले जा रहे हैं और ग्रेजुएशन का वो इधर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर जो बोर्ड के एग्जाम है उसको और टाला जा रहा है तो उसके बाद अगर ग्रेजुएशन का कराया जाता तो बहुत आगे निकल जाता, फिर से वही जैसे हमने लास्ट ईयर में 2020 में दिया था एग्जाम्स सितंबर में अक्टूबर में, तो उसी तरह से एग्जाम्स फिर से हो जाते हैं। इस वजह से बोर्ड के एग्जाम्स को टालने की वजह से जो आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं उसको पहले लाया गया है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी कई जगह आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है आपको, आप देख सकते हो पूरा किस तरह से बताया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन है कि 30 अप्रैल तक, जो बहुत सारी जगहों पर इस तरह से है, 30 अप्रैल तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं 30 मार्च तक, तो किस तरह से होंगी परीक्षाएं। तो परीक्षाओं के लिए अपना एक शेड्यूल्ड है, उसके लिए अपना सारा कुछ व्यवस्था कर लिया गया है और ये सब चीज़ें जान करके ही उन्होंने इस गाइडलाइन को निकाला है, ताकि उनको पता है किस तरह से उनको एग्जाम्स करवाना है। यूपी की अगर बात किया जाए तो उतना ज़्यादा अभी कोरोना केसेज नहीं है, ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, भोपाल, इन्हीं सब शहरों में ज़्यादा हैं, तो उस रिगार्डिंग सारी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं, तो एग्जाम्स आपके उसी डेट से लगभग होने वाले हैं। और मैंने जितने यूनिवर्सिटीज़ के देखे हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में उसमें यही बताया गया है कि 10th अप्रैल से ही आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपके एग्जाम्स किस डेट से होने वाले हैं, आप अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, और आपको नहीं पता है कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो जस्ट आपको गूगल करना है अपने यूनिवर्सिटी का नाम या अपने कॉलेज का नाम लिख करके उसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट को जब सर्च करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वो आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे और एग्जामिनेशन वाले सेक्टर में या नोटिस वाले सेक्टर में या एग्जाम के लिए जो नोटिस निकाला गया है उस सेक्शन में, या फिर मतलब एग्जामिनेशन वाले में जाओगे, आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि क्या उसका टाइम टेबल है, कि किस डेट से होने वाले हैं एग्जाम्स, या अभी अपकमिंग में है तो अपकमिंग वाले सेक्शन में भी देख सकते हो। तो इस तरह से अगर आपके यूनिवर्सिटी का अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला हो तो जाकर के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर चेक करना, वहीं से आपको पता चलेगा। तो यही अपडेट्स थे, तो आप सकते जरूर चेक करना,